वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस फाइनली हम लोग राखी के दिन 5 बजे अपने घर पहुंच चुके हैं, मतलब मेरे मायके पहुंच चुके हैं राखी के सेलिब्रेशन के लिए। और ये सेलिब्रेशन मेरे मायके में शादी के 3rd साल में फर्स्ट सेलिब्रेशन है। पहुंच गए अपने घर, देखो पूरा कितनी हलचल मची हुई है। हाय गाइस, हाय गाइस, अरे भाई हरियाली दिख रही, देखो मेरा भाई कैसे बात करता है मेरे से, देखो देखो आज रक्षाबंधन है, यही है वो आदमी। देखो वो कहाँ जाते हैं, आते ही जाते हैं कुएं के पास हाथ मुंह धोने। ये है मेरी बुआ बुआ और यहाँ पे बन रहा है मशरूम। मम्मी हाय करो, भाई हाय करता हूँ, पापा हेलो, सबको नमस्ते। हमारे घर का सबसे बेस्ट पार्ट ना, हमें ये अपने घर का पीछे वाला हिस्सा लगता है। यहाँ पे मम्मी लोगों ने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और हरी भरी सी बहुत अच्छी लगती है। इधर पीछे वाला एरिया छोटा सा आंगन है जिसमें हम सभी बैठकर बातें करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और इस समय जो आप ये देख रहे हैं ना, वो है मशरूम ओरिजिनल वाला। ये ना गाइस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मिलता है। रायपुर में जब इसका प्राइस पूछा था उस टाइम पे 1200 रुपये किलो चल रहा था। आपकी तरफ से क्या बोलते हैं और कितने रुपये इसका प्राइस है, ज़रूर कॉमेंट करके बताना। तो अब चलते हैं रक्षाबंधन के टाइम। सबसे पहले हम लोग गए हमारे बड़े पापा के घर पे और वहाँ हमारे तीनों बड़े भाइयों को, हम तीनों बहनों ने राखी बांधी। और लाइन से इस वक्त हम लोग पहले बड़ी सिस्टर छोटी वाली, उसके बाद मैं सबसे छोटी सिस्टर हूँ। हम तीनों ने वहाँ रक्षाबंधन किया भैया लोगों का। उसके बाद हम अपने घर वापस आ गए, भैया ने हमें गिफ्ट में पैसे दिए हमेशा की तरह। और इसके बाद अब हमारे घर के रक्षाबंधन की बारी है। दीपक छोटी बुआ सुबह ही राखी बांधकर पापा को चली गई थी और ये मेरी बड़ी बुआ है जो कि अभी पापा जी को राखी बांध रही है। और बाकी की चीजें हम तीनों बहनों ने खरीदी है अपनी अपनी पसंद से और हमारे भाइयों की पसंद से। तो अब बारी आती है राखी बांधने की। तो सबसे पहले सुरेखा दीदी जो है मेरी बड़ी बहन, वो राखी बांधती है भैया लोग को, फिर दीदी बांधती है, उसके बाद मैं बांधती हूँ हमेशा से। और गाइस मैं शादी के 2 साल बाद, पूरे 2 साल बाद राखी बांध रही हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं
अनिल तक खाए वाला आइटम अभी तक नहीं पहुंचे हो जल्दी अनिल इंतजार में है अभी किस्त किस्त नहीं पर इधर देखो बड़ी बुआ बड़ी दीदी छोटी दीदी आई नो वीडियो क्लिप शायद थोड़ी बड़ी हो रही है लेकिन मैं अपनी बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी राखी की पिक्चर्स इसमें ऐड करने जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उन सभी के लिए भी इनकी राखी की मेमोरी मेरे ब्लॉग के रूप में उनकी लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाए। तो इनकी राखी भी 2 साल बाद हुई मेरे साथ ही साथ और हम लोग भाभी के मायके में ही इनकी राखी मनाए रक्षाबंधन किया। भाभी के भाइयों को भी मेरी दीदी मतलब मेरी जो डेढ़ सास हैं उन्होंने राखी बांधी। उसके बाद की क्लिप मेरे ससुराल की है फिर मेरे मामा माओ की भी पिक्चर्स मुझे ही मिली थी तो मैंने उसे भी एड कर दिया है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।